और अभी इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। 47 रनों का लक्ष्य है। लक्ष्य का पीछा करने के लिए आ रहे हैं बल्लेबाज बाउंस फ्री स्टाइलर्स की तरफ से रितेश और अमरीश, और पहला ओवर फेंकने के लिए तैयार है अभिषेक। अभिषेक तलाठी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ब्लैक रॉक्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 रनों का लक्ष्य खड़ा किया था और 47 रनों का टारगेट है बाउंस फ्री स्टाइलर्स को। और ये गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगती हुई विकेट के पीछे, कोई रन नहीं। और ये फुल टॉस गेंद इसे मिड विकेट क्षेत्र में खेलते हुए एक रन दौड़कर पूरा किया बल्लेबाज रितेश ने। अभिषेक फिर से एक बार तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे रुपेंद्र, सॉरी अमरीश। नो बॉल और फ्री हिट, और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक अमरीश के बल्ले से निकलता हुआ एक रन के लिए, और एक नो बॉल। स्कोर बढ़कर हो चुका है 4 रन। और बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव एक रन के लिए, एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। अच्छा प्लेसमेंट, एक रन दौड़ने का मौका बल्लेबाज अमरीश के पास, स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। और डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद एक रन के लिए, रितेश के बल्ले से निकलता हुआ एक और एक बेहतरीन स्ट्रोक, स्कोर बढ़कर हो चुका है 7 रन। पहला ओवर जारी है, और एक रन की बढ़ोतरी, इस एक रन की मदद से पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 8 रन बगैर किसी नुकसान के। 47 रनों का लक्ष्य है, अभी भी 39 यानी कि 39 रनों की ज़रूरत बाउंस फ्री स्टाइलर्स को ये मैच जीतने के लिए, उनके बचे हुए 9 ओवर में 54 बॉल्स एंड 39 रन टू विन। और आशीष आए हैं नए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए, बल्लेबाज है रितेश। और ये गेंद इसे प्लेस किया कवर क्षेत्र में जाती हुई एक रन के लिए, स्कोर बढ़कर हो चुका है 9 रन। और अमरीश ने उसी दिशा में खेलते हुए एक रन दौड़कर पूरा किया, स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। 47 रनों का लक्ष्य और 1.2 ओवर में स्कोर हो चुका है 10 रन। और ये गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, इसे डिफेंसिव अंदाज में खेलते हुए रितेश पटेल, कोई रन नहीं। और ये गेंद थोड़ा मिस टाइम स्ट्रोक, बल्ले के ऊपरी सिरे से टकराती हुई डिक्लेयर जोन में जाती हुई 2 रनों के लिए, इन 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़कर हो चुका है 12 रन बगैर किसी नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर जारी है। और रन आउट होने का खतरा हो सकता है, यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों में, थोड़ी सी हड़बड़ाहट। स्कोर अभी भी रुका हुआ 12 रन बगैर किसी नुकसान के। आशीष की ये गेंद, इसे काफ़ी बेहतरीन अंदाज में इसे खेला था रितेश ने, वहाँ पर उतनी अच्छी फील्डिंग फील्डर रुपेंद्र द्वारा, और एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 13 रन, 13 रन विदाउट लॉस एट द एंड ऑफ सेकेंड ओवर। बाउंस फ्री स्टाइलर्स चेजिंग टारगेट ऑफ 47 रन टू विन दिस मैच, एज ऑफ दे हैव स्कोर्ड 13 रन इन देयर 2 ओवर्स। और रितेश गेंद को मिस करते हुए, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 13 रन। और ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ, नो बॉल का इशारा अंपायर,
और ये फुल टॉस, गेंद गेंद हवा में और ग्राउंड के बाहर जाती हुई गेंद, काफी खराब स्ट्रोक। थोड़ा कंट्रोल करते तो शायद ये बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए हो सकती थी। और स्कोर होता हुआ 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अमरीश का काफी महत्वपूर्ण विकेट इस गेंद पर, गेंद को ग्राउंड के बाहर भेजते हुए अमरीश। और रसिक म्हात्रे आए हैं नए बल्लेबाज। और ये गेंद, इसे ड्राइव किया कवर क्षेत्र में होती हुई गेंद, 1 रन। इस 1 रन की मदद से रसिक म्हात्रे ने अपना खाता खोला, खाता। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रितेश पटेल इसे प्लेस करते हुए स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 रन के लिए। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रुपिंदर सोनी गेंदबाजी कर रहे हैं और ये गेंद यॉर्कर लेन गेंद थी, इसे शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में आशीष ने फील्ड किया। कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 12 रन। और रसिक म्हात्रे फिर से एक बार बहुत अच्छा प्लेसमेंट, स्क्वायर लेग अंपायर के पास से होती हुई गेंद 1 रन के लिए। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन, 13। और नो बॉल का इशारा अंपायर का, ओवर थ्रो, 2+1, 3 रनों की बढ़ोतरी स्कोर में। स्कोर बढ़कर हो चुका है 15 रन। और ये फ्री हिट की गेंद, वो कंप्लीटेड। एक मिनट, इस बॉल के पहले इस गेंद से पहले ही ओवर खत्म हो चुका था। सो द लास्ट बॉल इज नॉट काउंटेड, इट इज कंसिडर एज अ डेड बॉल। नाउ द स्कोर इज 13, 13 रन, 3 ओवर की समाप्ति पर, 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन हो चुका है स्कोर। 47 रनों का लक्ष्य है, 3 ओवर की समाप्ति पर 13 रन हो चुका है स्कोर। अभी भी ये मैच जीतने के लिए 7 ओवर में 34 रनों की जरूरत। और रसिक म्हात्रे ने इसे उछाल कर मारा है और ये भाव दत्त द्वारा ये बहुत ही बेहतरीन कैच। और काफी अच्छा कैच, और क्रिकेट में ऐसे कहा जाता है कैचेस विन द मैचेस। क्या ये कैच वो कैच होगा कि जो ब्लैक रॉक्स को ये मैच जिताएगा, क्योंकि लगभग बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद। और जनक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अभिषेक गेंदबाजी कर रहे हैं। और अभिषेक की ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी टर्न होती हुई, रौनक जनक इसे समझ नहीं पाए, गेंद विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। अभिषेक की और एक गेंद, ये जनक समझ नहीं पा रहे, अभिषेक काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे। 8 रन हो चुका है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। 8 रन हो चुका है स्कोर, 34th ओवर जारी है, 3.3 ओवर का खेल हो चुका है अब तक। स्कोर है 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पर।
एक रन दौड़कर पूरा किया, स्कोर बढ़कर हो चुका है 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी रितेश पटेल डिफेंसिव अंदाज में खेलते हुए, और स्विच हिट और रन आउट होने का खतरा, और इसी के साथ ही जनक जोशी रन आउट होकर पेवेलियन में वापस लौट रहे हैं। और जनक जोशी रन आउट होकर पेवेलियन में वापस, काफी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, उतना ही अच्छा गैदरिंग विकेट कीपर द्वारा, और स्कोर घटता हुआ 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ब्लैक रॉक्स काफी अच्छा खेल ब्लैक रॉक्स की टीम की ओर से, टीम स्पिरिट एक अच्छा तालमेल पूरी टीम में। बल्लेबाजी करते वक्त जब 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी पेवेलियन में वापस लौट चुके थे, मनमय और अभिषेक, तभी आशीष और अमित ने मिलकर एक काफ़ी समझबूझ भरी, जिम्मेदारी भरी पारी खेली और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, और उसकी बदौलत ये मैच अब इस मोड़ पर है कि 4 ओवर में 4 रन हो चुका है बाउंस फ्री स्टाइलर्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 4 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एट द एंड ऑफ 4th ओवर, और अभी मन में आए हैं गेंदबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज है धवल, और सामना करने के लिए तैयार है रितेश, और ये गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर जाती हुई, जोरदार अपील। और अच्छी गेंद, यॉर्कर लेग गेंद थी, उसे उतनी ही अच्छी तरह से प्लेस करते हुए रितेश पटेल 1 रन दौड़कर पूरा किया। रितेश ने स्कोर बढ़कर हो चुका है 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 5वां ओवर जारी है। मन में गेंदबाजी कर रहे लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अब नए बल्लेबाज है धवल, सामना करने के लिए तैयार। और मनमय की ये गेंद, इसे डिफेंसिव अंदाज में खेलते हुए, कोई रन नहीं, स्कोर रुका हुआ है 5 रन। और ये इसे हल्के से टैप कर दिया, डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर हो चुका है 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4.4 ओवर का खेल हो चुका है, और मनमय की ये गेंद, इसे कट करना चाहते थे, और हाथ से छिटकती हुई गेंद, वाइट बॉल का इशारा, स्कोर बढ़कर हो चुका है 7 रन। और इसे ड्राइव किया मिड विकेट क्षेत्र में, गेंद फील्ड होती हुई, रन आउट करने का प्रयास लेकिन नाकामयाब कोशिश, और इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 8 रन 8 रन्स एट द एंड ऑफ 5th ओवर्स बाउंस फ्री स्टाइलर्स चेस कर रहे हैं 47 रनों का टारगेट, 47 रन्स टू विन दिस मैच एज ऑफ दे हैव स्कोर्ड 8 रन्स एट द एंड ऑफ 5th ओवर्स। नाउ दे रिक्वायर्ड 39 रन्स इन 30 बॉल्स। और गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं मनोज केसरी, और ये पावर प्ले ले लिया है बल्लेबाज ने, उपेंद्र कर रहे, अच्छा उपेंद्र गेंदबाजी के लिए आया है, ये पावर प्ले का ओवर है। और ये गेंद वहां पर रन आउट होने का खतरा, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग आशीष द्वारा, फर्स्ट और ये कैच ड्रॉप होता हुआ, 10 रन माइनस हो सकते थे ये कैच अगर पकड़ा जाता तो, काफी भाग्यशाली रहे धवल। और ये मिड विकेट क्षेत्र में
नो बॉल का इशारा अंपायर का, फ्री हिट, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 14 रन हो चुका है स्कोर। और इस बार फ्री हिट की गेंद थी ये, फ्री हिट बॉल, 16 हो चुका है स्कोर। टैप करते हुए एक रन दौड़कर पूरा किया, स्कोर हो चुका है 18। और फिर से एक बार इसे ड्राइव किया कवर क्षेत्र में 2 रनों के लिए, नो बॉल का इशारा और रन आउट होने का खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट है लेकिन नहीं, नो बॉल फ्री हिट। 24 हो चुका है स्कोर, 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 5.5 ओवर, ये पावर प्ले का ओवर चल रहा है। सैतालीस रनों का लक्ष्य है, 47 रन्स टू विन। EPL 2022 का आज ये तीसरा दिन, तीसरे दिन का ये चौथा यानी कि आखिरी मैच बाउंस फ्री स्टाइलर्स और ब्लैक रॉक्स के बीच खेला जा रहा है। ब्लैक रॉक्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 47 रनों का लक्ष्य रखा है, स्कोर हो चुका है 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी ये मैच जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है, 23 रन्स रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, 2 रनों की बढ़त और एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक 1 रन के लिए, और इन 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 28। ये मैच जीतने के लिए बची हुई 24 गेंदों में 19 रनों की जरूरत, 24 बॉल्स एंड 19 रन्स टू विन, 24 बॉल्स एंड 19 रन्स टू विन। मनोज केसरी गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद डॉट गेंद और ये फुल टॉस गेंद, इसे आगे बढ़ते हुए मिड विकेट क्षेत्र में खेला, 1 रन दौड़कर पूरा किया, स्कोर बढ़ता हुआ 29 3 विकेट के नुकसान पर। मनोज केसरी राइट आर्म राउंड द विकेट, हल्के से प्लेस किया स्क्वायर लेग रीजन में, स्कोर बढ़कर हो चुका है 30 रन 3 विकेट के नुकसान में। धवल सामना करने के लिए तैयार है मनोज केसरी के, अगली गेंद का राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे और ये आगे बढ़कर ड्राइव किया है, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां मनमय द्वारा, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर बढ़कर हो चुका है 31 31 रन। फिर से एक बार रितेश काफी जिम्मेदारी भरी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, 32 हो चुका है स्कोर, अभी भी 15 रनों की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए। अच्छी फील्डिंग वहां पर लेकिन उसे गैदर नहीं कर पाए फील्डर अभिषेक, स्कोर बढ़कर हो चुका है 33 3 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर समाप्त हो चुका है, अभी 3 ओवर शेष है, 18 गेंदों में 14 रनों की जरूरत, 18 बॉल्स एंड 14 रन्स टू विन, 18 बॉल्स एंड 14 रन्स टू विन दिस मैच। आशीष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे धवल को और धवल ने इसे ड्राइव कर दिया है वहां पर, हल्की सी मिसफील्ड और मिसफील्ड का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज धवल, 1 रन दौड़कर पूरा किया, स्कोर बढ़कर हो चुका है 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि 8वां ओवर जारी है, 7.1 ओवर का खेल पूरा हो चुका है।
अभी बची हुई 17 गेंदों में ये मैच जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। और ये काफी क्रूशियल हो सकता है कॉट एंड बोल्ड। आशीष जिन्होंने बल्लेबाजी में भी बहुत ही अच्छा योगदान दिया अपने टीम के लिए, और अभी मैच के इस मोड़ पर ये कॉट एंड बोल्ड और रितेश जैसे बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। रितेश काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अपने टीम के लिए, और बहुत ही बेहतरीन कैच अपनी ही गेंदबाजी पर अपने फॉलो थ्रू में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ते हुए ये बहुत ही बड़ा झटका बाउंस फ्री स्टाइलर्स की टीम को। अभी 16 गेंदों में 18 रनों का लक्ष्य आ चुका है, 16 बॉल्स एंड 18 रन्स रिक्वायर्ड, 16 गेंदे और 18 रनों की जरूरत। और केयूर आए हैं नए बल्लेबाज। और आशीष की ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, स्कोर अभी भी रुका हुआ 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 8वां ओवर जारी है, 7.3 ओवर का खेल हो चुका है। आशीष गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करने के लिए तैयार है केयूर। आशीष की ये गेंद, इसे उछाल कर मारने की कोशिश, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज केयूर को। एक रन से स्कोर बढ़कर हो चुका है 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और धवल ने इसे आगे बढ़ते हुए ड्राइव किया है एक रन के लिए, सिर्फ एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज धवल को। स्कोर हो चुका है 31। और केयूर हल्के से टैप करते हुए एक रन दौड़कर पूरा किया, और एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को, सिर्फ एक रन, और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़कर हो चुका है 32 रन। 8 ओवर का खेल हो चुका है, 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत, 12 बॉल्स एंड 15 रन्स टू विन दिस मैच। बाउंस फ्री स्टाइलर्स चेजिंग टारगेट ऑफ 47 रन्स एज ऑफ आफ्टर द एंड ऑफ 8th ओवर, दे हैव स्कोर्ड 32 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और ब्लैक रॉक्स की तरफ से अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट ओवर इस मैच का, और सबसे भरोसेमंद गेंदबाज ब्लैक रॉक्स के मन में के हाथ में गेंद है, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे केयूर, सामना करने के लिए तैयार। और मनमय की एक गेंद, इसे कवर क्षेत्र में ड्राइव करते हुए एक रन दौड़कर पूरा किया केयूर ने। स्कोर बढ़कर हो चुका है 33। और धवल का और एक बेहतरीन स्ट्रोक, वहां पर उतनी अच्छी फील्डिंग, अभिषेक तलाठी काफी बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर, एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर बढ़कर हो चुका है 34। और एक गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई, स्कोर अभी भी रुका हुआ 34। और एज लगकर फिर से एक बार गेंद स्लिप में, और दो डॉट गेंदे हो चुकी है, 8.4 गेंदों ओवर पे स्कोर हो चुका है 34। और यहां रन आउट होने का खतरा है, लेकिन बच गए। स्कोर बढ़कर हो चुका है 35। इस ओवर की ये आखिरी गेंद, और बहुत ही कीमती विकेट धवल के रूप में आउट होकर पेवेलियन में वापस। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30 रन। अभी भी ये मैच जीतने के लिए बाउंस फ्री स्टाइलर्स को जरूरत है 17 रनों की, 6 गेंदे और 17 रन। ओवर की आखिरी गेंद थी, धवल अगर उसे डिफेंस भी करते तो धवल एक ऐसे बल्लेबाज है वो आखिरी ओवर में
जो टारगेट है वो पूरा कर सकते थे, लेकिन आउट होकर पवेलियन में वापस आए। 5 रन माइनस करते हुए स्कोर अभी 6 गेंदों में 17 रनों की जरूरत। मनोज केसरी गेंदबाजी कर रहे और ये अपनी ही गेंद पर कैच करने का मौका था मनोज केसरी को, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज केयूर को। स्कोर हो चुका है 31, 5 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद और थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है। Batsman is out. और दिल की धड़कनों को तेज करने वाली ये गेंद थी, ये डिसीजन था। और इसी के साथ ही ब्राउन फ्री स्टाइलर्स का और एक विकेट जाता हुआ। स्कोर हो चुका है 26, 21 runs to win in 4 balls। नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चंद्रशेखर और माय गॉड गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ग्रेट शॉट। स्कोर बढ़ता हुआ 32। बहुत अच्छा स्ट्रोक 1 रन के लिए, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33। 14 रनों की जरूरत, दो गेंदों में 14 रन, 2 balls and 14 runs टू विन। और केयूर का ये स्ट्रोक और इसी के साथ ही कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। और इसी के साथ ही ये मैच ब्लैक रॉक्स ने बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में जीत लिया है। जब इनके इनिंग की शुरुआत हुई थी तब ऐसा लगा था कि ये कोई ज़्यादा रन नहीं बना पाएंगे, लेकिन उनके बल्लेबाज आशीष और अमित ने काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इनके टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाया। और बाद में अच्छी गेंदबाजी करते हुए बाउंस फ्री स्टाइलर्स को ये इस मैच में उन्होंने परास्त किया है और 18 रनों से मैच जीत लिया है। और इसी के साथ ही आज के दिन का खेल यहीं पर समाप्त होता है। अगले फ्राइडे को मुलाकात होगी 22 को EPL के इसी सीज़न के अगले दौर के मैचेस के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट, शब्बा खैर।